ओके गाइस, तो फ्री फायर की न्यू अपडेट आ चुकी है, तो आप सभी को पता होगा। और फ्री फायर की न्यू अपडेट आने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम यही है कि हमारी फ्री फायर लॉबी भी 38 में लॉबी में गेम बहुत ज़्यादा लैग करती है, बहुत ज़्यादा इशू कर रही है लॉबी में। तो उसके अलावा गेम में भी लैग करता है, तो वो भी फिक्स करेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेस्ट एमुलेटर भी देने वाला हूँ स्मार्ट गागा का वर्जन, और उसी के साथ साथ मैं आपको देने वाला हूँ फ्री फायर की OBB APK का X86 वर्जन, जो कि बेस्ट होने वाला है लो एंड PC के लिए। अगर आपकी गेम लैग करती है लॉबी में तो वो फिक्स हो जाएगी। उसी के साथ एक रजिस्ट्री फाइल का लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके ज़रिए अपने लैग फिक्स को ख़त्म कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के मैं आपको पहले ये बता देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना। डाउनलोड के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे मिल जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ PC की स्क्रीन पे, और यहाँ पर जिस PC में आपने जाना है, सबसे पहले आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखी हुई है। ये सारी फाइल वही हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इस एमुलेटर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये रार फाइल है। तो ये स्मार्ट गागा का अल्ट्रा लाइट वर्जन 3.6 है। तो सिंपली एमुलेटर एक्सट्रैक्ट होने के बाद सिंपली इसको ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आने के बाद आपने सिंपली इसके इंग्लिश के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको चार लैंग्वेज मिलेंगी। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर से नेक्स्ट कर देना है, आई एग्री करेंगे यहाँ से, और ब्राउज करके अपनी लोकेशन दे देनी है जहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एमुलेटर को लॉन्च कर लेना है। लॉन्च करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने थोड़ा नीचे जाना है, अबाउट टैबलेट अबाउट फोन में आपने 4-5 बार क्लिक करना है। उसके बाद बिल्ड नंबर पर 4-5 बार क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और इन तीनों विंडो एनिमेशन को ऑफ कर देना है। इन तीनों एनिमेशन को ऑफ करने के बाद फोर्स GPU रेंडरिंग इसको ऑन कर देना, और फोर्स 4x मासाग और ऑलवेज GPU यूज़ इन दोनों को ऑन कर देना है। उसके बाद आप इन दोनों को याद से हर बार आपने ऑन करना है, जब भी आपने गेम ओपन करनी है उससे पहले। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है। अभी बारी आती है हमारी एमुलेटर की सेटिंग में, तो सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से सेटिंग में यहाँ से जाने के बाद आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट कमांड मैसेज मिलेगा आपको, यहाँ से सबसे पहले एग्जिट डायरेक्टली चूज़ कर लेना। उसके बाद एडवांस में आ जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने सबसे लोअर रेजोल्यूशन को चूज़ कर लेना है, नहीं तो अपने हिसाब से रेजोल्यूशन को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ से CPU कोर की बात करें, अगर आपके पास लो एंड PC तो आप 2 कोर दे सकते हो, अगर आपके पास हाई एंड PC तो फिर 4 कोर दे सकते हो। तो उसके अलावा रैम की बात करें, अगर आपके पास 4GB से ज़्यादा रैम है तो आप 4GB दे सकते हो, अगर आपके पास 4GB से रैम कम है 3GB है तो आप 2GB दे सकते हो, अगर 2GB है तो 1500 दे सकते हो। उसके बाद DirectX और OpenGL दोनों को ट्राई कर सकते हो अपने PC के मुताबिक, क्योंकि काफ़ी सिस्टम में ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो उसके बाद आपने ऐड अकाउंट करना है। ऐड अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड देना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपने अपना ईमेल पासवर्ड देना है और इसको कट कर देना। ईमेल पासवर्ड देने के बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद फौरी आपने जाना है ऐप्स में, यहाँ से रनिंग ऑल में जाना। ऑल में जाने के बाद आपने गूगल प्ले स्टोर को क्लियर डाटा करना और डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपका गूगल अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट चल जाएगा। तो उसी वक्त इसको गूगल ऐप स्टोर को ये डिसेबल कर देना, नहीं तो क्रैश हो सकता है आपका एमुलेटर अगर ज़्यादा चलाओगे तो। उसके बाद आपने इसको फ्री फायर की APK को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है अकेला तो फिर आपने प्ले स्टोर को डिसेबल कर देना है बिना ऐड अकाउंट किए। तो उसके बाद ये OBB को कट कर लेता हूँ। एमुलेटर की लोकेशन में जाता हूँ, मैंने सब यहाँ पर फर्स्ट फोल्डर में इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर स्मार्ट गागा इंजन में जाना, शेयर FS में फोल्डर में जाना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको कट कर देना है, और यहाँ पर अभी जाते हैं FX फ्लोर में, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद शेयर फोल्डर में जाना है, इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ से मेन स्टोरेज में जाना है, और यहाँ से एंड्रॉयड OBB में कॉपी किया तो यहाँ से OBB कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके रिप्लेस कर देना है उस फाइल को। तो रिप्लेस करने के बाद इसको कट कर देना है। अभी बारी आती है यहाँ से इसको रिसोर्सेज पैक को, तो मैं सिंपली यहाँ से उसी फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर मैंने वो रिसोर्सेज पैक रखे हुए हैं। तो ये रहे मेरे रिसोर्सेज पैक, तो सिंपली इसको भी मैं शेयर FS फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको अभी पेस्ट हो चुके, इसको कट कर देना। अभी एमुलेटर में जाना है, FX एक्सप्लोरर में फिर से जाना है एक बार, और यहाँ से सिस्टम में जाना है, शेयर FS में जाना है फिर से, और यहाँ से इसको कट कर लेना है। फोल्डर को कट करने के बाद मेन स्टोरेज में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, इस बार डाटा में पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद ये है मेरे पास, अभी फुल नहीं है। सोर्सेस पैक पेस्ट होने के बाद इसको एमुलेटर को कट कर देना और आ जाना है इस फाइल पे। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से, इसको इंस्टॉल कर देना है, ओके कर देना, तो ये आपकी रजिस्ट्री फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाके डिस्प्ले अडेप्टर में जाना है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली विंडो आ जाएगी, इसको साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद विंडो प्लस आर दबाओगे तो आपका रन बटन आ जाएगा, नहीं तो अपने विंडो पर राइट क्लिक करना है, रन बटन थर्ड नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपने रजिस्ट्री टाइप करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस तरह का डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, तो आपने थर्ड में जाना है लोकल मशीन में। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको स्मार्ट गागा का फोल्डर मिलेगा जो कि पहले नहीं था, हमने अभी रजिस्ट्री फाइल इंस्टॉल करी है तो ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर देखो आपको GPU का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर देखो मेरी डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी है तो मैं ये टाइप करूँगा। अगर आपके पास सिस्टम वीडियो मेमोरी है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपने सिस्टम वीडियो मेमोरी को टाइप करना है वहाँ पर। उसके बाद आपने GPU डबल क्लिक करके डेसिमल में जाना है और यहाँ पर 1024 लिख देना है, यहाँ से डेसिमल में जाके 102 लिखना है, 1024। ओके तो मेरे पास 1024 थी, मैंने ये टाइप करी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मेमोरी है डेडिकेटेड या सिस्टम वीडियो मेमोरी, इन दोनों में से आप एक दे सकते हो। उसके बाद इन दोनों को कट कर देना है। कट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से जाना है अपनी लोकेशन में जहाँ पर आपने स्मार्ट गागो इंस्टॉल करा है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर इस लोकेशन में आने के बाद आपने इसका शॉर्टकट निकाल लेना है, यहाँ से पिंक पे ऐड कर देता हूँ मैं, तो आप चाहें तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट निकाल सकते हो। बाद आपने एमुलेटर को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद अभी बारी है फेसबुक अकाउंट की, तो सिंपली फेसबुक को ओपन करना है, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमारा सब कुछ हो चुका है, तो सिंपली फ्री फायर को ओपन करने के बाद आपके लॉबी वाला प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। उसके बाद अपनी की मैपिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पर अच्छी लगे। तो आप देख सकते हो मेरी लॉबी में आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिलेगी, आपको कोई भी इशू नहीं मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको लॉबी वाला प्रॉब्लम फिक्स हुआ हो मिलेगा। तो ये APK आपके लिए बेस्ट है, तो वो APK को आप अनइंस्टॉल करके ये APK को इंस्टॉल कर लीजिए, आपका लॉबी में जो गेम लैग होती थी वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड में आपको FPS दिखा दिए शो करके, तो आप चेक कर सकते हो FPS। के बाद बात करें अभी नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे हमारा आता है GPU, नंबर 2 पे आता है GPU क्योंकि हमने GPU रजिस्ट्री फाइल इंस्टॉल करी है, तो वो हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस की जो प्रोसेसर की ग्राफिक्स मेमोरी है उसको यूज़ करेगी, अपने FPS को इंक्रीज करेगी। तो इसी के साथ हमारे FPS इंक्रीज ज़रूर से होंगे, तो मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मेरा लैग फिक्स हो जाता है। आपका हुआ या नहीं कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद बात करें कि ये हमारी फ्री फायर है जो x86 वर्जन है, ये लो एंड PC के लिए लाइट वर्जन है, तो आप इस APK को ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी गेम लैग करती है तो फिर आपकी लैग फिक्स हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले गुड बाय।